हेलो स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 21 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने। ओके, लेट वी स्टार्ट 21th लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टोटल 30 लेक्चर के अंदर आपकी थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट के जो पांच लेक्चर होंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर होंगे। उन पांच लेक्चर्स में से ये मान के चलो कि चार से पांच नंबर का आएगा जो लास्ट के पांच लेक्चर होंगे। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स का आज अपने 21 नंबर लेक्चर करने जा रहे हैं। 15 फरवरी से पहले पहले, 15 फेब से पहले पहले ये वाला आपका टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। प्रॉपरली आपको हर चैप्टर के हर टॉपिक के आपको नोट्स मिलने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स यूनिट आपने ढंग से करनी है, फोटोकेमिस्ट्री यूनिट आपने ढंग से करनी है। बीएससी सेकेंड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल की बात कर रहा हूं कि फोटोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स यूनिट आपने ढंग से करनी है। उसके बाद आपने करनी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने आप में दो यूनिटें कवर करती हैं आपकी, तो चार यूनिटें आपकी प्रॉपरली तैयार होगी तो आपका काम बन जाएगा। बच्चे पूछते हैं कि सर पेपर में सिलेबस में कटिंग होगी क्या? सिलेबस में कटिंग होने के चांस है भी और नहीं भी। एक्चुअल में सिलेबस में अगर वो कटिंग करते हैं ना तो उसे दिक्कत पता क्या आती है? उसे दिक्कत ये आती है कि मान लो जो सिलेबस आपका पूरा हो गया, जो जो टीचर ने आपका सिलेबस पूरा करवा दिया, मान लो वो सिलेबस कट हो गया तो नुकसान हो जाएगा ना। तो मे बी मेरे हिसाब से सोल्यूशन ये निकल सकता है कि अभी हाल ही में बीएससी फाइनल का सप्लीमेंट्री का एग्जाम हुआ था, जिनकी बैक आई थी उनका एग्जाम हुआ था। उसमें क्या किया था, उसमें ये बात बोल दी थी कि सेक्शन ए के अंदर आप कोई भी, सेक्शन ए के अंदर सारे 10 के 10 क्वेश्चन कंपलसरी है जो कि 1.5 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन बी में ये बोल दिया कि सेक्शन बी में जो 10 क्वेश्चन आते हैं इंटरनल चॉइस वाले, दो में से एक, उनमें से एक को, उनमें से चार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, है ना। अपने को पांच करने होते हैं ना, तो पांच में से चार कर लो, ये बोला गया। और सेक्शन सी में ये बोला गया कि पांच क्वेश्चन में से कोई भी एक कर लो, एक वन अटेम्प्ट कर लो। इसका मतलब अगर आप तीन यूनिटें तैयार करते हो तो आपका काम बन जाएगा। तीन यूनिटें प्लस 5 ईयर सोल्ड आप तैयार करते हो, 5 सालों वाले पेपर पिछले तैयार करते हो तो आप टॉपर में आ सकते हो। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरीके से पढ़ते हो। ओके, नोट्स मैं सारे डालते जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन प्रॉब्लम तो आप मुझे चैट सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। आपसे मैं मिलने भी आऊंगा बच्चों, चिंता मत करना किसी बात को लेकर के। ओके, ये वीडियो ऑलवेज सेव रहेगी, जब मर्जी जिसका जो मर्जी मन है वो टॉपिक देखो। मैं टॉपिक सारे करवाऊंगा, चाहे वो इंपॉर्टेंट चाहे वो नहीं इंपॉर्टेंट। हाँ, लास्ट वाले पांच टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो करवा रहा हूं ना आज, जो मैं टॉपिक करवा रहा हूं, इससे सवाल आता है, न्यूमेरिकल आता है कि हाउ टू कैलकुलेट एंथैल्पी फॉर केमिकल रिएक्शन। आगे जो हमने करी थी ना, आगे जो हमने एंथैल्पी पढ़ी थी वो एंथैल्पी थी फॉर सिस्टम जिसमें इनर्ट गैसें भरी होती हैं। जैसे मान लो आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम क्या मानते हैं, थर्मोडायनेमिक्स हम सिस्टम मानते हैं सिलेंडर को। एक सिलेंडर के अंदर क्या होता है, इनर्ट गैस भरी होती है। इनर्ट गैस के कारण जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसको बोलते हैं प्रेशर ऑफ गैस बोलते हैं ना। इनर्ट गैस फिल की होती है। हमने क्या किया था कि नीचे से इसको हीट देनी शुरू कर दी, नीचे से हीट देनी शुरू कर दी तो क्यू हीट दे दी मैंने। ये क्यू हीट ने क्या किया, स्मॉल क्यू ने क्या किया, इसकी इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किया ही किया, यानी इंक्रीज कर दिया, यानी आंतरिक ऊर्जा को वो अपने रिप्रेजेंट करते हैं यू से, तो डेल्टा यू हो गया। और प्लस क्या हुआ, ये इनर्ट गैस के कारण प्रेशर एग्जर्ट हुआ। ड्यू टू प्रेशर ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करने लग गया, ऊपर तरफ मूव करने लग गया, ये पिस्टन यहां आ गया। तो इससे क्या हुआ कि वॉल्यूम में चेंज आ गया, चेंज इन वॉल्यूम को डेल्टा वी से डिनोट किया हमने, है ना। और ठीक है, डेल्टा वी से तो डेल्टा यू। आपको ये बात पता है कि जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, कि जब तक वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा तब तक वर्क डन नहीं होगा, कार्य नहीं होगा। तो पी डेल्टा वी हो गया, और पी डेल वी बोल दो या डेल्टा वी बोल दो, बात एक ही है, है ना। और ऊपर से इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया, मतलब जो हमने हीट दी, जो हमने हीट दी। ओके, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया प्लस वर्क डन हो गया। अब ये जो कांस्टेंट प्रेशर है ना, ये प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर है बच्चों, एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये इसके इक्वल होता है। और इसी को ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा गया कि जो हीट आप दे रहे हो वो कन्वर्ट हो रही है चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के बराबर होती है। इसी को ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा गया। बहुत आसान है, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ये हमने बात की थी। वो कहता है कि इफ
अगर आप इसका प्रेशर कांस्टेंट कर दो, अगर इसका प्रेशर कांस्टेंट कर दो, प्रेशर तो अपने कांस्टेंट लेके चल ही रहे, अगर कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट आप सप्लाई करते हो, कांस्टेंट प्रेशर पे जो आप हीट सप्लाई करते हो, जो एक्सटर्नल प्रेशर जो कांस्टेंट करके जो आप हीट सप्लाई करते हो, उस टाइम जो जो टर्म दी गई एट कांस्टेंट प्रेशर, जो भी चेंज आएगा एनर्जी, जो भी आप हीट दे रहे हो, हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, हीट सप्लाई एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, जो भी आप हीट दे रहे हो कॉन्स्टेंट प्रेशर पर, उसका जो हीट में जो चेंज आएगा उसको बोलेंगे चेंज इन एंथैल्पी। मतलब सिंपल सी बात है, आप अपने रूम के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसेस करवा रहे हो बर्नर के ऊपर, इसका मतलब आप कॉन्स्टेंट प्रेशर पर सारी स्टडी कर रहे हो, उस टाइम जो आप एनर्जी की स्टडी कर रहे हो, उस टाइम जो आप हीट को सप्लाई कर रहे हो, इट इज एंथैल्पी, इट इज एंथैल्पी। और एंथैल्पी जो होता है वो आप एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, वी नो दैट, है ना। तो हम एंथैल्पी में चेंज की स्टडी कर सकते हैं कि पहले एंथैल्पी ये एच वन थी, उसके बाद एच टू होगी, पहले एंथैल्पी एच इनिशियल थी, उसके बाद क्या होगी, एच फाइनल होगी, है ना, एंथैल्पी ऑफ फाइनल, एंथैल्पी ऑफ इनिशियल। तो इस तरीके से डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डी वी के इक्वल आ गया था, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में आपका एक पॉइंट और पेंडिंग रह गया था, उसको भी अपने नोट कर लेते हैं कि वी नो दैट एंथैल्पी इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, यानी इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। एच इज इक्वल टू एंथैल्पी, ई इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम। इन सिंबल द एंथैल्पी एच इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ई एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड पी एंड वॉल्यूम वी ऑफ द सिस्टम। ये पॉइंट रह गया था, इसको नोट कर लेना। अकॉर्डिंग टू दिस लो एनर्जी कंजर्वेशन, ये लो जो एनर्जी कंजर्वेशन पर भी बेस्ड है, हमें पता है कैसे बेस्ड है, मैं समझा चुका हूं। एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर टू लेस द वर्क डन बाय द सिस्टम। ये एक तो उसकी इक्वल होती है किसके, जो आपने हीट ट्रांसफर की है जो इंटरनल एनर्जी में, इंटरनल एनर्जी के एंड वर्क डन के। तो ये एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी हिंदी में लिखा मैंने, एच बराबर एंथैल्पी, पी बराबर दाब, ई बराबर आंतरिक ऊर्जा, वी आयतन, ये सारी बातें आपको जानते हैं और अब मैं समझा चुका हूं, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एंथैल्पी आंतरिक ऊर्जा व दाब व आयतन का गुना के योग के बराबर होती है। ई इज इक्वल टू एच एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन व तंत्र को स्थानांतरित की गई ऊष्मा व किए गए कार्य के घटाव के बराबर होती है, किए गए कार्य के घटाव के बराबर होती है। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। चलते हैं बच्चों आगे। अब आज का जो टॉपिक है ना वो हमारा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी फॉर केमिकल रिएक्शन। अगर हम केमिकली एक्टिव, हम केमिकली एक्टिव कोई गैस लेते हैं, रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील गैस लेते हैं, हमने पहले क्या किया था, हम पहले इनर्ट गैस ले रहे थे, क्या ले रहे थे, यहां पर इनर्ट गैस ले रहे थे, यानी अक्रिया, यानी नोबल गैसेस, यानी आदर्श गैस ले रहे थे। अब हमें इनर्ट गैसेस ना लेकर के केमिकली एक्टिव गैस ले, तो हाउ टू कैलकुलेट एंथैल्पी फॉर केमिकल रिएक्शन। तो केमिकली एक्टिव गैस लेने पर, रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील गैस लेने पर हम एंथैल्पी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम को कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो बात क्या है, एंथैल्पी का मतलब क्या है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, पूर्ण ऊष्मा की मात्रा नियत दाब पर ही एंथैल्पी कहलाती है, ये बात हमें पता है, है ना। अब ये कॉन्सेप्ट हमें थर्मोडायनेमिक्स में ना लगा करके हमें थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर लगाना है, हमें थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर लगाना है, यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर लगाना है। तो मान लो कि मैं गैस भरता हूं N2O4, केमिकली एक्टिव गैस है, जब इसकी रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट से क्या बनता है, 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं NO2, 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट NO2 बनते हैं। तो मुझे यहां पर एंथैल्पी में चेंज को डिस्कस करना है, तो हाउ टू डिस्कस एंथैल्पी चेंज, है ना, ये कैसे इसकी मैं स्टडी करूं। आपको पता है कि एंथैल्पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ द फाइनल स्टेट एंड एंथैल्पी ऑफ द इनिशियल स्टेट, है ना, इनिशियल स्टेट, ऐसे अपने इसको को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट से मतलब क्या है, कि इसको हम वर्बली, इसको हम थ्योरेटिकली कैसे अपने केमिकली कैसे निकालें अपने, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा, है ना, अपने डेल्टा नहीं आएगा, सॉरी यहां मैं गलत लगा गया, हमें एंथैल्पी ऑफ फाइनल और एंथैल्पी ऑफ इनिशियल, यानी यानी प्रारंभिक अवस्था की एंथैल्पी क्या है और द्वितीय अंतिम अवस्था की एंथैल्पी क्या है, अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस करेंगे तो हमारा डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी आ जाता है। अगर यही हम इंप्लीमेंट करें ऑन द रिएक्शन, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है, आर इससे क्या बनता है, पी फोर प्रोडक्ट बनता है, है ना, पी फोर प्रोडक्ट बनता है और इसमें चेंज आ रहा है,
तो ये तो रिएक्टेंट तो इसकी इनिशियल वैल्यू है और पी फोर प्रोडक्ट क्या है इसकी फाइनल वैल्यू है। अगर यहां से हम डेल्टा एच को काउंट करें तो कैसे आएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट यानी ये फाइनल स्टेट एंड माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। हमें ऐसे एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है फॉर केमिकल रिएक्शन, डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, साथ साथ समझते जाओ, है ना। अब यहां पर क्या किया था मैंने, क्या किया रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल दिया। यहां पर इसकी स्टाइकोमेट्री क्या है, वन है, यानी इसकी रस मित्तीकरण क्या है, वन है। यहां भी इसकी 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 क्या है, स्टाइकोमेट्री वन है। अगर मैं इसकी स्टाइकोमेट्री चेंज कर दूं, मैं बोलता हूं इसकी स्टाइकोमेट्री एक्स है, मुझे नहीं पता कितनी है, हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भी हो सकती है। इसकी एंथैल्पी क्या है, इसकी स्टाइकोमेट्री क्या है, वाई है। अगर हमें स्टाइकोमेट्रिक दे रखी हो तब हम कैसे कैलकुलेट करें, तब हमें क्या करना है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू स्टाइकोमेट्रिक ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टाइकोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट एक्स एंड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके हमने निकालना है स्टाइकोमेट्री का। इन थर्मोकेमिस्ट्री इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपरली और डिफाइन करें कि हमें स्टाइकोमेट्री से इसको साथ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू द स्टाइकोमेट्रिक ऑफ प्रोडक्ट इंटू इंटू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस द स्टाइकोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरी बात समझ आई कि आपने क्या करना है कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट यानी एंथैल्पी उत्पाद की एंथैल्पी के साथ उसकी रस मित्तीकरण को मल्टीप्लाई करना है, किसकी, उत्पाद की, चाहे एक है चाहे दो है। जैसे रिएक्टेंट की निकालोगे ना, रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट की एंथैल्पी के साथ ही, रिएक्टेंट की एंथैल्पी के साथ ही आपने क्या करना है कि रिएक्टेंट की स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी रस मित्तीकरण को माइनस कर देना है। इस तरीके से निकालते हैं। अब आपको ना इसका स्टाइकोमेट्री का डिफरेंस निकालना है, वो कैसे निकालेंगे कि हम स्टाइकोमेट्री का डिफरेंस कैसे निकालें, तो इसका क्या तरीका होता है, इसका तरीका एक ही होता है कि डेल्टा एन जी इज इक्वल टू, डेल्टा एन जी का मतलब क्या है, डेल्टा मतलब होता है चेंज, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, गैस, गैस के नंबर ऑफ मोल्स में क्या चेंज आया, इसका मतलब आप क्या बात कर रहे हो कि स्टाइकोमेट्री में क्या चेंज आया। जैसे यहां पर पहले यहां पर x थी साइकोमेट्रिक, बाद में y होगी, तो इसके चेंज को स्टडी करना है तो y में से x को माइनस कर दो तो हमें पता लग जाएगा कि इतने मोल गैस ऑफ प्रोडक्ट बने हैं, इतने मोल्स गैस ऑफ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में जा रहे हैं, है ना। इतने मोल्स तो हमने क्या लिए थे, गैस के, रिएक्टेंट के मोल्स ऑफ गैस लिए थे यानी अभिकारक के मोलों की संख्या और ये उत्पाद के मोलों की संख्या में से अभिकारक के मोलों की संख्या को माइनस कर दोगे तो डेल्टा एन जी की वैल्यू आ जाती है। बच्चों यहां तक समझ में आया, जल्दी बोलो, ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट एंड स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, है ना, ये रस मित्तीकरण उत्पाद का, ये रस मित्तीकरण किसका, अभिकारक का, है ना। हमें पता है कि हमारी जो इक्वेशन है एंथैल्पी चेंज की वो क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी, ये हमारी इक्वेशन होती है एंथैल्पी को कैलकुलेट करने की। लेकिन हमें ये हमें थर्मोकेमिस्ट्री में इंप्लीमेंट करनी है, हमें थर्मोकेमिस्ट्री जिसमें हमें केमिकल एक्टिव रिएक्टिव गैस लिया है, हाउ टू कैलकुलेट, ऐसा क्या फॉर्मूला ड्राइव करे कि हमें फटाफट एंथैल्पी में चेंज काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, गणना करनी है, कैसे करें उसके लिए। हमें ये तो बताया कि ये फॉर्मूला होता है, ये तो फॉर्मूला होता है किसके लिए होता है, इनर्ट गैसेस के लिए, है ना। लेकिन हमें निकालना है केमिकली एक्टिव गैसेस के लिए, रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील गैसेस के लिए। हमें पता है कि अगर हम इनर्ट गैस लें तो इनर्ट गैस की इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर आप एंथैल्पी की बात करते हैं तो एंथैल्पी में प्रेशर क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। अगर मैं टेम्परेचर भी कांस्टेंट ले लूं, आपको बताया कि आर वैसे ही कांस्टेंट होता है, क्या होता है आर, वैसे ही क्या होता है, टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट ले लिया, पी मैंने कांस्टेंट ले लिया, तो बचा क्या, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, कि वॉल्यूम जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होंगे, नंबर ऑफ मोल्स में भी चेंज आएगा, है ना, नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आएगा अगर वॉल्यूम में चेंज आएगा। ये बात एवोगैड्रो बोलता था कि केमिकली एक्टिव या रिएक्टिव जो गैस होती है अगर उसके वॉल्यूम को इंक्रीज किया जाए, अगर उसके वॉल्यूम को बढ़ाया जाए तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज आने शुरू हो जाते हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स भी केमिकली एक्टिवली
पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, ये बात समझे। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, अगर गैस केमिकली एक्टिव है, अगर गैस केमिकली एक्टिव है, इफ गैस केमिकली एक्टिव, अगर मैं इसी इक्वेशन को केमिकली एक्टिव गैस पर इंप्लीमेंट करूं तो वो क्या होगी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर आइडियल गैस, लेकिन अब मैं ले रहा हूं एक्टिव गैस, केमिकली एक्टिव गैस, तो पी डेल वी इज इक्वल टू एन डेल्टा एन आर टी, ये क्वेश्चन आ जाएगी फॉर केमिकली एक्टिव, फॉर केमिकली एक्टिव जो आइडियल गैस, जो आइडियल गैस इक्वेशन थी ना वो कन्वर्ट हो जाएगी पी डेल वी एन डेल्टा एन आर टी। मेरी बात समझ में आई बच्चों? अब ये डेल्टा एन है किसका, जी का, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस में चेंज आ रहा है तो डेल्टा एन जी। अगर इसी पी डेल वी की वैल्यू को मैं अपने एंथैल्पी वाली इक्वेशन में इंप्लीमेंट कर दूं, चेंज इन एंथैल्पी जो हमने लिखी थी, डेल्टा एच इज इक्वल टू वी नो दैट डेल्टा यू एन पी डेल वी, यहां पर मैं पी डेल वी वैल्यू को मैं इंप्लीमेंट कर दूं तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये हमारे पास एक फाइनलाइज फॉर्मूला निकल के आ गया बच्चों, काफी इजी फॉर्मूला है, और डेल्टा एन जी आर टी ये फॉर्मूला होता है थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, हम थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर एंटर हो चुके हैं बाय द हेल्प ऑफ एंथैल्पी। तो अगर आपको कोई केमिकल एक्टिव रिएक्शन दे रखी हो, उसकी चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला किसी भी एंथैल्पी निकालने के लिए, है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहां पर जो आर की वैल्यू है वो क्या है, यहां पर 8.314 जूल गैस के लिए होती है, ये उस सिस्टम के लिए जिसमें हमें केमिकली एक्टिव गैस फिल की है, तो ये वाला फॉर्मूला उस सिस्टम के लिए जिसमें हमने केमिकली एक्टिव गैस फिल कर रखी है, ध्यान रखना रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील गैस हमने भरी हुई है, मेरी बात समझ में आई। और डेल्टा एन जी का मतलब क्या है, चेंज इन मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस में भी चेंज आते ही आता है, तो वो डेल्टा एनजी है। डेल्टा एनजी का कोई वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं बताया कि प्रोडक्ट की स्टोइकोमेट्रिक में से रिएक्टेंट की स्टोइकोमेट्रिक को माइनस करने पर डेल्टा एनजी की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा यू की वैल्यू आपको दे रखी होगी। इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू हमारे सामने निकल के आ गई। अब न्यूमेरिकल मैं आगे करवाऊंगा बच्चों, एंथैल्पी बहुत प्रकार की होती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, संभवन की ऊष्मा, उदासनीकरण की ऊष्मा, अलग अलग प्रकार की एंथैल्पी होती है। एंथैल्पी खत्म होने के बाद कुछ आपके 5 लेक्चर ऐसे बचेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन का लो, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है, हर साल 1.5 मार्क्स है या 5 मार्क्स का। तो 5 लेक्चर लास्ट वाले बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, 30 लेक्चर के अंदर अंदर थर्मोडायनेमिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी, विद इन 15 फेब तक आपकी थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करवा दूंगा, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी देता हूं। उसके बाद अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड शुरू करेंगे, फिर अपने मिलते हैं, कल मिलते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर आपको कल मिलेगा, बाय बच्चों। कोई दिक्कत आए, मैंने बिल्कुल छोटा सा ये आज का लेक्चर बनाया है कि हाउ टू कैलकुलेट एंथैल्पी फॉर केमिकल एक्टिव रिएक्शन या थर्मोकेमिस्ट्री में अंदर हम कैसे करते हैं। बच्चों को दिक्कत आ रही है आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में, तीसरी और चौथी यूनिट अपनी एक साथ स्टार्ट होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, लेकिन मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एक ही मानता हूं, सारे नोट्स तुम्हें दूंगा, बढ़िया बुक का मटेरियल भी देने वाला हूं मैं, चिंता मत करना, सीबीएच की बुक मत पढ़ना भले मेरी बला से, लेकिन आपको मैं डीयू की यूनिवर्सिटी का जो मटेरियल है बुक का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इतना आसान मटेरियल है वो, इतना मतलब इजी गोइंग मटेरियल है वो आपको दूंगा मैं, तो इसलिए कह रहा हूं कि आप सीबीएच की बुक से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत फालतू का दे रखा है, बहुत बहुत ज्यादा दे रखा है, जल्दी से आपके पल्ले भी नहीं पड़ेगा। हाँ, जो बच्चे क्रैमिंग करते हैं वो करें, कोई दिक्कत नहीं है उनको, तो क्रैमिंग का पोर्शन होता है तो उनको जिसको समझ के करना है तो वो ढंग से बुक से करे, तो मैं आपको वो मटेरियल भी प्रोवाइड करवा दूंगा इन फ्यूचर, चिंता मत करना, पहले जैसे जैसे करवा रहा हूं वैसे वैसे आप करते जाओ, ओके, नोट्स आपको मिलेंगे। बाय बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं फिर अपने, और सारे बच्चे क्लास लगाओ, ओके, बाय बच्चों।